अगर आप भोजपुरी की ताजा खबरों को देखना चाहते हो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। नमस्कार, आप देख रहे हो पीपल बायोग्राफी भोजपुरी.com। खेसारी लाल यादव की एक फिल्म की चर्चा हम 2017 से ही सुनते आ रहे हैं। फिल्म का नाम था राजा जानी, जिसकी लगातार हम फोटोज देखते आए हैं। लगातार सेट से फोटोज वायरल हो रही थी, जिसमें खेसारी लाल यादव के साथ उनकी हीरोइन प्रीति विश्वास नजर आ रही थी। खेसारी लाल यादव की फिल्म आज फाइनली बिहार, झारखंड, नेपाल, गुजरात, मुंबई में एक साथ रिलीज हुई है। इस फिल्म की कहानी की तरफ आए तो फिल्म की कहानी आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगी, लेकिन इसमें एक कहानी है। प्रीति विश्वास अपनी मौसी के घर रहती है, उन पे अत्याचार होता है और वो खेसारी लाल यादव से प्यार करती है। वहीं पर इस फिल्म में देव सिंह का रोल भी काफी मजेदार है। अब हम बात करते हैं खेसारी लाल यादव की एक्टिंग की। दोस्तों, खेसारी लाल यादव ने अपनी हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस फिल्म की लीड एक्टर यानी प्रीति विश्वास के काम की, तो उन्होंने फिल्म में काफी बेहतरीन काम किया है। प्रीति विश्वास की अगर हम बात करें तो वो वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। उन्होंने बहुत से बंगाली सीरियल में काम किया है। उसके बाद उन्होंने एक फिल्म में भी काम किया था, फिल्म का नाम था रॉन्ग रूट। और अब फाइनली खेसारी लाल यादव के साथ उनकी भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू थी। फिल्म का नाम था राजा जानी, जिसमें वो जानी का किरदार निभा रही थी खेसारी लाल यादव के अपोजिट। फिलहाल जानी यानी प्रीति विश्वास अभिनेता पवन सिंह की फिल्म राजा में भी काम कर रही हैं। इस फिल्म में हमें सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की जबरदस्त फाइट भी देखने को मिलती है, रोमांस भी देखने को मिलता है। और इस फिल्म को जब आप देखोगे तो आपको एक भी बार ऐसा नहीं लगेगा कि मैं फिल्म को छोड़कर चला जाऊं। इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाल बाबू पंडित ने बनाया, जिन्होंने इससे पहले अभी तक काफी बेहतरीन बेहतरीन फिल्में भोजपुरी इंडस्ट्री में डायरेक्ट की हैं। हाल ही में उन्होंने जिला चंपारण बनाई थी, जिसको दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है सुरेंद्र प्रसाद, जिन्होंने दिल खोलकर इस फिल्म पे पैसा इन्वेस्ट किया है। इस फिल्म में रोमांस की बात की जाए तो रोमांस भी काफी बेहतरीन है। वीडियो कैमरा वाला जो एक सॉन्ग है काफी मजेदार है, पूरा थिएटर गूंज उठता है। फिल्म में लगभग 6 से 7 गाने हैं, जिसमें से लगभग 5 गाने बहुत ही अल्टीमेट है। एक सैड सॉन्ग है जो काफी बेहतरीन लग रहा है। इस फिल्म की बात की जाए तो एक फैमिली फिल्म है, जो फैमिली के साथ हम लोग देख सकते हैं और काफी बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म के एक्टरों की बात की जाए तो आनंद मोहन ने भी काफी बेहतरीन काम किया, वहीं पर गोपाल रॉय ने भी अल्टीमेट काम किया है। और देव सिंह यानी फिल्म के विलन की बात की जाए तो उन्होंने अपने रोल को बखूबी बेहतरीन तरीके से निभाया है। इस फिल्म को लिखा है मनोज कुशवाहा ने। इस फिल्म के बेहतरीन गानों को लिखा है प्यारे लाल यादव, आजाद सिंह, श्याम देहाती ने। इस फिल्म के म्यूजिक काफी बेहतरीन है, जो दिया है धनंजय मिश्रा ने। उनके बारे में तो आप लोग जानते ही हो, हमेशा उनकी म्यूजिक बेहतरीन होती है, मजेदार होती है। इस फिल्म में एक्शन भी काफी बेहतरीन है, जो दिया है सतीश ने। इस फिल्म के कोरियोग्राफर की बात की जाए तो कन्नू मुखर्जी ने इसमें कोरियोग्राफ किया, जो कि ठीक ठाक है। और इस फिल्म के डायरेक्शन की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शन दिया है लाल बाबू पंडित ने। उस हिसाब से कोई भी फिल्म में ऐसे सीन नहीं है जो हम फैमिली के साथ ना देख सकें। तो दोस्तों, आप लोग अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर देखिए, काफी बेहतरीन फिल्म है। और हमें बताइए कैसी लगी आपको ये फिल्म। इस फिल्म की कहानी की तरफ आया जाए तो फिल्म की कहानी ठीक ठाक है।